हाय गाइस, हर्षित यादव की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ क्रेटा फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में, जो कि अभी 2024 जनवरी के वक्त लॉन्च होगी। वैसे तो कंपनी इसको 2023 में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से कैंसिल कर दिया है। पूरी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रंट लुक इसके एकदम डिफरेंट हो चुके हैं, तो सोन से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड। अब फिलहाल डायमेंशन की बारी आ जाती है। तो गाड़ी में लेंथ मिलती है 4315 mm की, वेट 1790, हाइट जो गाड़ी मिलती है 1630 mm की, व्हील बेस 2610 mm, एंड जो फाइनल ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 190 mm का। 3 महीने इसमें इंजन मिल जाते हैं। फर्स्ट 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि निकालता है 160 bhp 253 nm टॉर्क। सेकंड 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि निकालता है 113 bhp 144 nm टॉर्क, जो कि 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों में देखने को मिल जाएगा। थर्ड 1.5 डीजल इंजन जो कि निकालता है 113 bhp 250 nm टॉर्क, ये भी आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में देखने को मिल जाएगा। माइलेज भी काफी अच्छी सी क्लेम कर देती है कंपनी, 21 km/l की। बाकी फ्रंट इसकी पूरी पूरी टुसोन से इंस्पायर्ड है। 3 मेनली इसमें DRS मिल जाते हैं, डायमंड स्टाइल पियानो ब्लैक फ्लोर में ग्रिल Hyundai के लोगों क्रोम में मिल जाता है, एंड हेडलाइट्स आपको नीचे देखने मिल जाते हैं, स्किड प्लेट थोड़ी बहुत सिल्वर टाइप में। बाकी अभी जैसे आगे आगे होता आ रहा है कि फॉग लैंप्स कंपनी हटाते जा रही है, ऐसे इसमें आपको फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलेंगे, हेडलाइट्स ही वहां पे देखने को मिल जाती है, प्लेसमेंट वहीं पे कर दी है। साइड में ऐसे कुछ खास चेंज नहीं मिलेगा आपको। डुअल टोन में गाड़ी ऑफ कोर्स मिल जाएगी। टेल लाइट भी एकदम सेम देखने को मिलेगी, बस इसमें एकदम थोड़ा सा डिफरेंस आप सामने देख सकते हो। बूट पे भी थोड़े बहुत कवर्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड पैनोरमिक सनरूफ वही वाली देखने को मिलेगी, शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप लैंप सब कुछ देखने मिल जाएगा, डिफोगर, एंड इसमें रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएगी काफी अच्छी सी। इंटीरियर में इसमें डुअल टोन देखने को मिल जाएगा। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, MID भी अब तो अल्काज़ार वाली कर दी है, जिसमें राइट साइड का इंडिकेटर दोगे तो राइट साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट ORVM पे देखने को मिल जाएगा। अलॉय व्हील 17 इंचेस के मिलेंगे। स्टीरियो इसमें 10.25 इंचेस का, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बोस के स्पीकरिंग मिल जाएगी इसमें 6 सेटअप। अभी जो आपको टॉप रेंज में चीजें मिलती है वो आपको इस फेसलिफ्ट में भी देखने को मिल जाएगी। डुअल टोन मिल जाएगा गाड़ी में देखने को, इंटीरियर में डुअल टोन मिल जाएगा, 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे गाड़ी में। बाकी स्टाइल भी आपको अच्छी सी कर दी है गाड़ी की। ये Hyundai एक तरफ से एक सेकंड कार बन चुकी है जिसमें आपको एडास मिल जाएगा। सबसे पहली कार है इसकी वरना जो भी लॉन्च हुई है, एंड ये सेकंड कार बन जाएगी इसकी क्रेटा जो कि आएगी अभी फेसलिफ्ट। बाकी अभी तक तो ऐसा ही है कि इसमें एडास आएगा, बाकी आगे कुछ हो जाए तो पता नहीं। वैसे तो पूरे डिटेल्स जब गाड़ी लॉन्च होगी इंडिया में तभी पता चलेगा क्या कुछ घटाया है कंपनी ने, क्या कुछ बढ़ाया है। एक चीज रहेगी गाड़ी की प्राइसिंग, इसमें आपको प्राइसिंग मिल जाती है गाड़ी की 11 lakhs to 18 lakhs मैक्स गाड़ी टच करेगी इसको प्राइसिंग को। बाकी अभी तो इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे इसलिए दे रखा है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।